stage by tamam National Conference committee, senior Sani Hazrat yahan pe aaye hue hain. और दादा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया कांग्रेस के अधिदार हजरात नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे यहाँ पे खून मजलू साथी भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम. चला था जानवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. बैठो ना, आसान होगी मुझे तकरीर खत्म करनी होगी. मेहरबानी करके आप लोग बैठे. मैं श्रीनगर से जब सुबह सवेरे निकला तो मेरी अपनी गाड़ी, मेरे बेटों की गाड़ी, दो गाड़ी साथियों के साथ और हम ये कारवां लेके निकले. जैसे ही नारबल पहुंचे, अल्लाह का फजल है, एक एक करके जो है साथी हमारे साथ जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए. यहां तक के बारामुल्ला पहुंचते पहुंचते ये कारवां शायद 2-3 किलोमीटर से कम कारवां नहीं था. अब इस कारवां को देख के मुझे डर है और हम अभी स्टेज पे कुछ दोस्तों के साथ मजाक कर रहे थे कि जिस तरह एक साजिश के तहत अनंतनाग का इलेक्शन उन्होंने पोस्टपोन किया, कहीं ये लोगों का समुंदर देखते ये इतने बौखला तो ना जाए कि हमारा ये इलेक्शन पोस्टपोन करे. कोई फायदा नहीं ना, आप आज करो, परसों करो, महीने के बाद करो, साल के बाद करो, इंशाल्लाह जीत, इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी. इलेक्शन में वोटर का फर्ज होता है कि वो मैदान में उम्मीदवार के तरफ देखें, उम्मीदवारों को तोड़ें, उम्मीदवार के बारे में सोचें और फिर जिस दिन वोट डालना होगा उस दिन अपने वोट का इस्तेमाल करें. अब बारामुल्ला पार्लियामानी हलके में 18 असेंबली हलके हैं. जिला बारामुल्ला, जिला कुपवाड़ा, जिला बांडीपुर, बड़गाम के मेरे दो सीट बीरू और बड़गाम, यहां के वोटरों के सामने एक बहुत आसान और सीधा सा फैसला है. यहां के वोटरों को सिर्फ यह तय करना है कि उनको 20 तारीख मई को अपना नुमाइंदा दिल्ली भेजना है या दिल्ली का नुमाइंदा दिल्ली भेजना है. अपना नुमाइंदा भेजना है, बस यही फैसला करना है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब यू का यू है. बैठो नीचे, बात करने दो, बाकी सब फजूल बातें, बाकी चीजों पे हम बाद में आएंगे. यहां पे सीधा सीधा मेरा जो टक्कर है वो किसी फर्ज के खिलाफ नहीं है. कोशिश कर करके Gracias.
दोबारा दो नॉट ट्रेवलिंग बैक टू जैसे मैं कह रहा था मेरा मुकाबला किसी फर्ज के खिलाफ नहीं है, किसी तंजीम के खिलाफ नहीं है। हमारा जो मुकाबला है वो सीधा सीधा दिल्ली की ताकत, दिल्ली हक्की का हुकूमत, नागपुर का आरएसएस, ये सब एक साथ मिलके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन अलायंस के जो है तीनों उम्मीदवार कश्मीर में हमें हराने पे जो है लगे हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैंने अपने इससे पहले इलेक्शन पाकिस्तान के जनरलों के खिलाफ लड़ा, उसमें कामयाबी हासिल की। इस वाले इलेक्शन में हमें दिल्ली की ताकत मुखालफत कर रही है, इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम इस ताकत को भी हरा के रखेंगे। हम डरने वालों में से नहीं है, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की